क्या आप भी डरे हुए हैं कि कहीं मेरा फ़ोन ब्लास्ट नहीं हो जाए? तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ये बताया हूँ कि कैसे आप अपने फ़ोन को ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में पूरा गाइड किया हूँ, जो तरीका अगर आप अपनाते हैं तो आपका फ़ोन है कि 101% आपका फ़ोन ब्लास्ट होने से बच सकता है। सोज मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने फ़ोन को ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं। तो आप भी अगर मोबाइल चलाते हैं, और अभी के टाइम में तो हर इंसान मोबाइल चलाता है, तो अगर आपके पास मल्टीमीडिया सेट है या कोई भी सेट हो तो आप उसको कैसे ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं, तो ये देखने के लिए आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा, तभी आप समझेंगे कि कैसे आप अपने फ़ोन को ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप कम्प्लीटली लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या आप भी मोबाइल चलाते हैं और आपको ये डर है कि कहीं मेरा मोबाइल जो है ब्लास्ट नहीं हो जाए? तो ये आप ही के लिए वीडियो है। अभी के टाइम में हर इंसान जो है 10,000 से ऊपर का मोबाइल चलाता है, और वो जो है मल्टीमीडिया मोबाइल होता है, तो आपको जो है डर होना ही चाहिए कि मेरा मोबाइल जो है कहीं ब्लास्ट नहीं हो जाए। तो मैं आपको इस वीडियो में वही सोल्यूशन बताया हूँ कि किस तरीके से आप जो है अपने मोबाइल को ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं। कभी कभी ये होता है कि हम मोबाइल को जो है चार्ज में लगाए रहते हैं और कहीं से जो कॉल आ जाता है ना, तो उसको हम झट से जाके उठा लेते हैं। पता है, ये जो है सबसे बड़ी गलती है आपकी। आप जो है मोबाइल को जो है चार्ज में लगाए हुए हैं तो आपको मोबाइल के जो है चार्जिंग पॉइंट से निकाल के आपको बात करनी चाहिए। अगर आप इस सिचुएशन में आप जल्दी से जो है चार्ज में लगा हुआ है और आप जो है चार्ज करते हुए बात कर लेते हैं, तो वहीं पे जो है आपकी सबसे बड़ी भूल है, और वहीं पे जो है आपके मोबाइल जो है ब्लास्ट होने के चांसेस बन जाता है। पता है क्यों? क्योंकि जो हम मोबाइल जो है चार्ज में करते रहते हैं, और जब मोबाइल चार्ज होता रहता है तो हम बात करना स्टार्ट करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो है अप डाउन होते रहता है, और फ्रीक्वेंसी अप डाउन होने की वजह से वहाँ जो आप जो चार्ज में लगा हुआ है वहाँ जो चार्जिंग पॉइंट होता है वहाँ पर जो है वाइब्रेट होते रहता है और फ्रीक्वेंसी अप डाउन होते रहता है। जैसे हम बात करते हैं तो ऐसे नहीं समझिए कि हम ऐसे ही बात कर लेते हैं। मेरे जो भाई जो है पहले जो एक्सचेंज में जाता है, वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होकर अगले पर्सन के पास जाता है, तो वहाँ पर जो है फ्रीक्वेंसी अप डाउन होते रहता है, और यहाँ पर देखिए कि चार्जिंग भी आपको होते रहता है। अब ये दोनों सिचुएशन जो है एक ही टाइम में होते रहता है, चार्जिंग भी होते रहता है और फ्रीक्वेंसी भी अप डाउन होते रहता है। तो आपको जो है ये गलती नहीं करनी है। अगर जो है ये गलती कर लेते हैं और आपका जो है फ्रीक्वेंसी और आप चार्जिंग पॉइंट दोनों जो है एक दूसरे से जो है संपर्क में आ जाते हैं, तो वहीं जो है आपका मोबाइल हीट हो जाके, जैसे ही हीट होता है आपका मोबाइल, तो वहां पर ब्लास्टिंग होने का चांसेस बन जाता है, और कितना मोबाइल तो ब्लास्ट ही हो जाता है। और इस सिचुएशन में जो है जो पर्सन जो बात करते रहते हैं उसको जो है कान तक भी नुकसान हो जाते हैं, या कितने को तो है सर वगैरह भी फट जाता है, जो कान पर लगा के जो बात करते रहते हैं तो उसको सर वगैरह भी फट जाते हैं, और कोई जो है स्पीकर के थ्रू बात करते रहते हैं, जैसे ही मोबाइल जो ब्लास्ट होता है तो उसको जो है पूरा फेस जो है पूरा चेहरा जो है ख़राब हो जाता है ब्लास्टिंग होने के वजह से। तो अगर जो है आप भी इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि मेरा मोबाइल जो है सुरक्षित रहे, ब्लास्ट भी नहीं हो और मेरे बॉडी को भी कुछ नहीं हो, तो भैया आपको है मोबाइल को पहले आप चार्ज कर लीजिए, इसके बाद ही बात कर लीजिए। अगर आपको बात करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर आप जो मोबाइल चार्ज कर रहे हैं उसको मोबाइल जो है प्लगिंग से निकाल लीजिए, इसके बाद बात कर लीजिए, फिर से चार्ज में लगा दीजिए, क्या दिक्कत है? अगर आप जल्दी जल्दी करते हैं तो आप समझ लीजिए कि जल्दी जल्दी में आप दुनिया से भी जल्दी से जा सकते हैं। तो ये सब आपको नहीं करना है, ठीक है? आप सावधानी करना है, सावधानी बरतनी है। आप जो है मोबाइल चार्ज लगा रहे हैं तो मोबाइल चार्ज कर लीजिए, इसके बाद बात कर लीजिए, या फिर आप नहीं चार्ज हुआ है बात कर लीजिए फिर चार्ज में लगा दीजिए, ठीक है? क्योंकि वहाँ जो फ्रीक्वेंसी होती है ना वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हो जाती है, और इस वजह से चार्जिंग पॉइंट और वे दोनों के संपर्क में आने से जो है आपके मोबाइल जो है ब्लास्ट होने का चांसेस बन जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है वैज्ञानिक का शोध है, वैज्ञानिक बताया है। तो मैं सोचा कि मेरे जो भी मेरे व्यूअर्स है, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरा जो वीडियो पर डे देखते हैं,
तो वो सब के लिए ये मैसेज है। आप लोग जो बात करना चाहते हैं, अगर आप चार्जिंग कर रहे हैं मोबाइल, तो आप लोग जो बात करना चाहते हैं किसी भी पर्सन से और मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, तो मोबाइल को पहले जो है निकाल लीजिए चार्जिंग पॉइंट से, बात कर लीजिए, इसके बाद फिर से चार्ज में लगा लीजिए। कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आ सकती है और आपका मोबाइल कभी भी ब्लास्ट नहीं हो सकता है। ये छोटी सी वीडियो है आप सबके लिए, जो मेरे व्यूअर हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर है, और जो भी मेरे व्यूअर नहीं हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, उस सब के लिए ये मेरा छोटा सा एक पैगाम है अपने मोबाइल को सुरक्षित रखने का। तो आप ये सावधानी बरत के आप अपने मोबाइल को सुरक्षित रख सकते हैं और आप भी सुरक्षित रह सकते हैं। बस ये छोटा सा वीडियो है। तो गाइस, आपने ये वीडियो देख के ये सीख लिया होगा कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल को ब्लास्ट होने से बचा सकते हैं और अपने कान और फेस को भी आप सुरक्षित रख सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।